माजज़ नाजरीन एक सवाल का जवाब दें कि पर्दे में रहने वाली चीज़ें पर्दे में ज़्यादा अच्छी लगती हैं या पर्दे से बाहर इस सवाल का जवाब मुझे भी मालूम है आपको भी मालूम है और हर एक का जहन इसे कबूल भी करता है हिजाब एक औरत का हक़ है और वो औरत जब मुसलमान हो तो ये उसकी ज़िम्मेदारी में से उसके वाजिबात में से ये चीज़ हो जाती है क्योंकि उसके रब ने उसके रसूल ने उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस बात का हुक्म दिया है लेकिन देखें आए दिन कोई भी ग़लत जहनीत रखने वाला या जहनी एतबार से बीमार शख्स उठता है और हिजाब पर सवाल खड़े करता है हिजाब के ताल्लुक से पाबंदी का मुतालबा करता है या उसके व वकूद में जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर आने वाली औरतों और लड़कियों पर हिजाब के अतबार से वो पाबंदी लगाता है जबकि हिजाब ये एक औरत का बुनियादी हक है आइनी एतबार से जमहूरी एतबार से और शरीयत के अतबार से भी इस मुल्क का कानून इस मुल्क का आइन भी इसकी इजाजत देता है और मुसलमान औरत की शरीयत, उसका दीन भी उसे इस बात की इजाज़त देता है बल्कि हुक्म देता है युद्न आल मिनजला बी बिहन्ना जैलिका अदन फ़लाई उदैन ये जब औरतें निकले घर से बाहर तो ये अपने ऊपर अपनी चादर को डाल लिया करें ऐसा करेंगी तो ये पहचानी जाएंगी कि ये शरीफ खातून है और फिर कोई इनके साथ किसी तरह की तकलीफ़ वाला मामला नहीं करेगा हिजाब ये एक औरत का फ़ख्र है उसका वक़ार है उसका हक है और उसकी जिम्मेदारी में से उसके वाजिबात में से एक अहम वाजिब है दूसरी बात कि हिजाब की वजह से कॉलेज से निकालने की धमकी देना स्काफ पर पाबंदी का मुतालबा करना या ऑफिस में स्कूल के क्लासेस में स्काफ निकाल कर बैठने का मुतालबा करना और इसकाफ को हिजाब को गैरकानूनी करार देना ये इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब के लिए एक बदतरीन मिसाल है एक बदतरीन मिसाल है ये ऐसे लोग इनका जहन बीमार है इनका दिमाग बीमार है इनका दिल बीमार है ऐसे लोग दरअसल वो उन लड़कियों से उस हिजाब से उनको कोई बैर नहीं है बल्कि वो इस्लामोफोबिया के शिकार हैं उनकी दुश्मनी इस्लाम से है उनकी दुश्मनी इस बात से है कि कहीं ये लड़कियां भी पढ़ लिख कर काबिल न बन जाएं इनके तालीम से उन्हें चिढ़ है इनके तालीम हासिल करने से उन्हें परेशानी है जबकि नारा ये लगाया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और यहां बेटी को पढ़ने से रोका जा रहा है और इसकाफ पर हिजाब पर पाबंदी का मुतालबा किया जा रहा है मैं जिम्मेदारों से दरख्वास्त करूंगा अपनी आवाज को ऊंची करें अपनी बच्चियों के लिए अपनी बहन के लिए अपने घर की खातीन के लिए परमानेंट सोलूशन आप निकालें कोई हल निकालें ताकि आपकी बच्चियाँ आपकी बहनें आपकी बेटियां आपके घर की औरतें ये हिजाब में रह करके अपने आप को हिजाब में रख करके ये सही तरीके से जिंदगी गुजार सकें और ऐसे जहनी बीमार लोग इनके ताल्लुक से किसी तरह का कोई गलत तबसरा न कर सकें मैं बहनों से गुजारिश करूँगा आप अपनी इज्जत का अपनी का ख्याल रखें अपने आप को हिजाब में रख कर के बाहर निकाले इसलिए कि इस्लाम आपसे यही मुतालबा करता है शरीयत आपसे यही मुतालबा करती है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इसी बात का हुक्म दिया है और याद रहे कि हिजाब ये तरक्की के रास्ते में तरक्की की राह में रुकावट नहीं है हिजाब में रह कर के भी ख़वातीन आला से आला मकाम हासिल कर सकती हैं और इस दौर में भी और गुज़िश्ता दौर में भी औरतों ने हिजाब में रह कर के ये कारनामा दिखाया है है। जाते जाते एक सवाल कर लूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हिजाब पर पाबंदी का मुतालबा करने वाले और अपनी बाउंड्री में गैर कानूनी करार देने वाले ये लोग कहीं जहनी बीमारी का तो शिकार नहीं है कहीं इस्लामो फोबिया के तो शिकार नहीं है दरअसल ये लोग बच्चियों की आला तालीम से चिड़ते हैं और वह बच्चियां भी जब मुसलमान हो, इस्लामी तलीमत की मानने वाली और दीन पर अल्लाह और उसके रसूल अलैहि वम के फरामीन पर अमल करने वाली हो, ये चंद बातें थीं हिजाब के ताल्लुक से हम होशियार हों कौम के लोग होशियार हों अपने घर की खातिन को हिजाब में रखने की और उन्हें हिजाब की तालीम देने की कोशिश करते रहें जिम्मेदारों से गुजारिश है कि इसका कोई परमानेंट हल निकालें ताकि आए दिन इस तरह केनी बीमार लोग इस तरीक़े का मतालबा न कर सकें والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته